Hello everyone, welcome to Veena Classes. Well, in my last video I had discussed about some sort of healing right from the ailments of learning English. शायद आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कैसे हम जो इंग्लिश बोलने के जो दिक्कतें या परेशानी लोगों को होती है उन सब चीज़ों से उभर कर आ सकते हैं. सो इन दिस वीडियो यू नो लाइक स्टिल वी हैव फ्यू मोर पॉइंट्स टू बी डिस्कस अबाउट. सो हियर आर द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव ऑन द बोर्ड. द फर्स्ट वन इज अ फील एंड परसीव. जस्ट लुक एट दिस वेरी केयरफुली. ही फील एंड परसीव. सो फीलिंग यू ऑल नो अबाउट द फीलिंग्स एंड ऑल दैट वी एक्चुअली फील. फील जो होता है एहसास करना, कोई भी चीज़ को महसूस करना. और परसीव दैट इंडिकेट्स अबाउट कोई भी चीज़ को उपलब्धि करना. यानी अगर आप कोई भी चीज़ को फील कर ले तो उसको आप उपलब्धि करो उस चीज़ का. मतलब आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि जैसे आप कोई गाना सुन रहे तो उस गाने को आप फील कर रहे, तो उससे क्या होगा, आपने वो जो उसके जो बेसिक एसेंस है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, उस चीज़ की परख या समझ आप ले रहे हो. तो सिमिलरली उस चीज़ को समझते हुए अगर आप गाने को सुनोगे, वेल दिस इज़ नॉट अबाउट द फॉर्मेलिटी दैट आई एम जस्ट टेलिंग टू डू ऑन. सो दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट. आप उस चीज़ को मन से कर रहे हो और उस चीज़ को आप परसेप्शन कर रहे हो उस चीज़ को. सो दैट्स वे यू रियली कैन मेक थिंग्स बेटर. इट मीन्स अगर आप जब पढ़ना शुरू करोगे तब उस चीज़ को आप खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ना है तो पढ़ोगे, ऐसे नहीं. आपने उस चीज को समझ के पढ़ना है, तब जाके उसको महसूस करना है. धीरे धीरे आपका जो होगा वो धीरे धीरे आपको बहुत बढ़िया तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी. सो कमिंग डाउन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क हार्ड ऑन योर फाउंडेशन. एज वी ऑल नो अबाउट द फाउंडेशन, फंडामेंटल थिंग्स. लाइक कभी भी आप सोच लो कि फंडामेंटल्स या फाउंडेशन जो होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हमारी जो है वो बेस होती है हमारी. जैसे कि हम कभी घर बनाते हैं, वी ऑलवेज टेंड टू मेक अ हाउस ऑफ 10 स्टोरेज बिल्डिंग. इफ द फाउंडेशन एंड द काइंड ऑफ यू नो लाइक जो उसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है जिसे हम फाउंडेशन बोलते हैं, अगर आपका बहुत ढीला हो या फिर वो अगर अच्छे तरीके से नहीं किया गया तो फिर क्या होता है, नॉर्मली दैट बिल्डिंग विल कोलैप्स सून. इसका मतलब वो जो चीज़ है बहुत जल्दी गिर जाएगा. बट इन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश बोलने के लिए आपका फाउंडेशन उतना बेहतर नहीं भी होगा तब भी चलेगा. बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज, आई एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट फाउंडेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. अगर आप फाउंडेशन को अच्छे तरीके से नहीं करोगे, अगर आप फाउंडेशन पे ध्यान नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश वो कभी भी मजबूत नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, बेहतर नहीं बनेगी. सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, सो एनहांस योर लिसनिंग कैपेसिटी. हियर वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल यू नो पिक्चर राइट ऑन द बोर्ड. जस्ट लुक एट दिस वेरी केयरफुली. वेल देर इज अ लेडी, देर इज अ मैन, हूएवर इज दिस, लाइक लिसनिंग यू नो लाइक दैट शोज लाइक हाउ टू लिसन टू पीपल. अगर हम लोगों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, या जब हम लोग क्लास करते हैं स्कूल में तब हम लोग टीचर्स की बात अगर अच्छे से नहीं सुनते हैं तो घर में जाके हमें बहुत परेशानी होती है होमवर्क करते वक्त. सिमिलरली अगर जब आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे हो तो आपने सबसे पहले सीखने से पहले सुनना है लोगों को. वेल देयर इज अ प्रोवर्ब दैट वी ऑलवेज यूज इन इंग्लिश, अ गुड लिसनर टर्न्स इन गुड स्पीकर इन लेटर फ्यूचर. तो आगे चल के जो अच्छा सुनने वाला ही बेहतर बनने वाला बनता है. तो आप अगर लोगों को अच्छे से नहीं सुनोगे, अगर आपके पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसके द्वारा आप आपके आसपास या फिर आपके जान पहचान के ऐसे कोई लोग जिसके द्वारा आप सुन सकते हो या जो आपको मदद कर सकते हैं इन सब चीज़ों को सुनने में, सो वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडियाज दैट रियली कैन हेल्प यू टू लिसन थिंग्स बेटर. वी हैव टेलीविजन, एवरीबडी इज हाउस, सभी के घर में टेलीविजन्स है. आप उसके द्वारा न्यूज़ चैनल सुन सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल को अच्छे से उसको महसूस कर सकते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. इससे क्या होगी, आपकी आइडियाज़ जनरेट होगी, उससे क्या होगा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और वही चीज़ आपको बोलते हुए या बोलते वक्त बहुत आपके लिए अच्छा साबित होगी. वेल एज आई वाज सेइंग अबाउट लाइक लिसनिंग दैट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट. सो अगर आपको कोई भी क्षेत्र में जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट हो, जिस विषय में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास. इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट यू कैन लिसन टू रवि शास्त्री, रमीज राजा, यन चैपल, ग्रेग चैपल, दे ऑल आर फैंटास्टिक कमेंटेटर्स. जस्ट लिसन टू देम केयरफुली, हाउ डे डू स्पीक, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे सारे चीज़ों को एक के बाद एक लाते हैं, बोलते हैं, उससे आपको काफ़ी आइडिया जो है आपकी काफ़ी अच्छी होगी, बेहतर होगी. यू ऑल्सो कैन लिसन टू, अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हमारे देश में है, तो वो जब इंग्लिश बोलते हैं तब उनको अच्छे से सुनिए. उससे आपकी काफ़ी वोकैबुलरीज भी अच्छी होगी, आपको सुनने का कैपेसिटीज बढ़ेगा, उससे आपके आइडियाज़ कॉन्सेप्ट और बेहतर होंगे.
Well, if you have interest in journalism, we have some fantastic journalists in India. You also can take a name of or listen to the very famous channel that we have, Republic Bharat. The editor of Republic Bharat, Arnob Goswami, he is a very fantastic speaker. Just listen to him carefully. You will definitely learn so much things from him. So coming to our next slide. So don't be panic and frightened. Just look at a picture is there. Well, that shows, you know, like there is something which is like a monster that right in front of the boat. आपको लगेगा कि इंग्लिश आपके लिए इनिशियली थोड़ा सा मॉन्स्टर या थोड़ा सा फैंटम जैसा है, थोड़ा बहुत बड़ा है. दिस इज मैसिव इन नेचर, दिस इज गिग्नेटिक. बट यू मस्ट बी यू नो लाइक पैनिक और फ्राइटेंट अबाउट दिस. मीन्स यू जस्ट डोंट बी यू नो लाइक यू स्टे ऑलवेज सो पीसफुल. आपने डरना नहीं है. शुरू में कोई भी चीज़, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, शुरू में कोई भी चीज़ काफ़ी मुश्किलें आती है, लेकिन आपने यू नीड टू हैव द पेशेंस. आपने धैर्य रखना है, धीरे धीरे उस चीज़ में आपको घुसना है, कोशिश करना है कि वहाँ से ना भागे. बट Always remember one thing, that give up is not the option. I repeat, give up is not the option. आप छोड़ नहीं सकते. अगर आप छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ से भाग रहे. अगर आप already determined है कि मुझे सीखना है, if you are pretty determined about this, I have to learn it at any cost. So please don't be panic nor be frightened. So coming down to our next topic. So find the ease and joy out of it. Now what do you mean by ease and joy? मीन सपोज लाइक जैसे कि मैंने बताया आपको कि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप उसमें घुसते जाएंगे, आपको उसमें से काफ़ी मज़ा आता जाएगा. धीरे धीरे जब आप उस चीज़ को फील करते जाओगे, जब आप उसको परसीव करोगे, तो आपको उसमें से उसके जो एसेंस है वो धीरे धीरे पता चलने जाएंगे. जितना आप सुनोगे, जितना आप समझोगे, जितना आप पढ़ोगे, आप धीरे धीरे उस चीज़ के साथ, उस परिवेश के साथ, उस एनवायरमेंट के साथ विल बिकम लिटिल बिट ऑफ फैमिलियर विथ. और धीरे धीरे वो चीज़ क्या होगा, उसमें से आपको मज़ा आने लगेगा. और जैसे मज़ा आने लगेगा तो आप और पढ़ोगे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, और धीरे धीरे वो आपके साथ एकदम घुल मिल जाएगा. सो कमिंग डाउन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. सो फोकस इज द ओनली मंत्रा. सो यू नो अबाउट वी समटाइम्स यू नो लाइक वी चैंट सम मंत्रास जस्ट फॉर आवर पीसनेस. हम लोग कभी कभी बहुत सारे अलग अलग मंत्र का जाप करते हैं. हमें कहा जाता है वी आर समटाइम्स से जस्ट फॉर द मेंटल पीस एंड ऑल, लाइक यू नो चैंट सम मंत्रा. सो देर इज ऑल्सो अ मंत्रा इन इंग्लिश एंड दिस इज फोकस. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, विदाउट फोकस यू सिंपली कैन नॉट डू एनी थिंग. सो फोकस इज द प्राइम थिंग. आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी फोकस नहीं है, यू डेफिनेटली विल कैच एन एक्सीडेंट. सिमिलरली जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपका जो ध्यान है पूरा इंग्लिश की तरफ होना चाहिए. आप कितना टाइम तक पढ़ते हैं, सिंपली दिस इज नॉट कीप एनी शॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस. द थिंग दैट रियली कीप्स इंपॉर्टेंस इज वेदर यू आर फोकसिंग और नॉट प्रॉपरली. जो चीज़ जितना टाइम तक आप पढ़ रहे हैं, आपकी फोकस उसमें पूरी है, आपकी लगन उसमें पूरी है, आप उसमें पूरे डेडिकेटेड है, आपका पूरा डिवोशन है, तब जाके वो चीज़ आपके पास धीरे 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 वो आपके पास आ ही जाएगी. सो हेयर आर दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि ये साइकोलॉजिकली सभी के लिए बहुत ही यूटिलाइज्ड है और आप इस पर काम कर सकते हैं. आप इन चीज़ों के ऊपर, इस पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ी सी सोच सकते हैं, अपने विचार भी हमें डाल सकते हैं. सो बिफोर कंक्लूडिंग ऑफ दिस वीडियो, तो आप सभी इस सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, हमारे वीडियोज़ को अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, तब जाके आपको इन सब पॉइंट्स जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लगेगी कि ये आपके साइकोलॉजिकल जो दृष्टिकोण है उसके काफ़ी आपको मदद करेगी समझने में या सोचने में. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी. आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया वीना क्लासेस की ओर से. आपने हमें बहुत सारा मैसेजेस भेजा है, आपका सुझाव भेजा है, आपका प्यार भेजा है. उम्मीद करता हूँ आगे फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ होंगी. तो आगे के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. कीप सब्सक्राइबिंग अस. हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इनसे बहुत सारी बेनिफिट्स ले पाए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.